सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। क्या बहुत ही जबरदस्त आइटम, क्या पता नहीं वहाँ पे आइटम क्या भाई। क्या दोस्तों, फ्रेंक नई वीडियो के साथ मैं संजय प्रताप सिंह, आपके चले इंडिया ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज हम जा रहे हैं गलतेश्वर महादेव मंदिर, और ये मंदिर बहुत ही ज्यादा माना हुआ, बहुत ही पहुंचा मंदिर है। यहाँ काफी लोग आते हैं, काफी लोग जाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी जाएं। और इस बार वैसे मैं हर बार वीडियो में अकेले रहता हूँ, इस बार हमारी पूरी टीम है, ये नारायण भाई है और बाकी के हमारे दोस्त है, दो गाड़ियां अभी और आ रही है, तो हम टोटल लोग जा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे लैंड मार्केट, पीछे देखते हो लैंड मार्केट का बोर्ड है और इधर लैंड मार्केट है, तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ से हम निकलेंगे फिर सीधा गलतेश्वर के लिए। तो गलतेश्वर कैसे जाना है और कब पहुंचना है वो पूरा डिटेल मैं आपको टाइम बता दूंगा। अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बताइए हमारी वीडियो को कैसे देखते हो। चलिए चलते हैं गलतेश्वर महादेव मंदिर। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कामरेज, पीछे में देख रहा हूँ कामरेज का ब्रिज है। तो मैं बराचा से निकला था, कामरेज ब्रिज पे आ चुका हूँ और यहाँ पे पप्पू भाई करके चाय की दुकान है, बहुत ही मस्त चाय बनाते हैं। इनकी शॉप है जो 5 साल पुरानी शॉप है और सुबह 5 बजे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, बट हम आए दोपहर को 1 बजे। चाय फेमस थी तो टेस्ट लेने के लिए यहाँ रुक गए, बट अगर आप कभी भी यहाँ से निकलते हो तो भाई की चाय जरूर एक बार ट्राई करना। मैं आपको दिखा देता हूँ शॉप को डिटेल से और बता देता हूँ कौन से एरिया में खड़ा हूँ। तो अभी मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, सफर जारी है, तो फटाफट वहाँ पहुँचेंगे। तो प्लस बस वीडियो को लाइक करते रहो। गलतेश्वर महादेव मंदिर ये खास आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो राइट साइड टर्न जाता है वो टर्न आपको नहीं लेना है। अगर भूल से आपने वो टर्न ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको रिटर्न आना पड़ेगा, बहुत ज्यादा घूमना पड़ जाएगा। तो उससे पहले एक कट मिलता है डिंगल करके, बोर्ड लगा उसके साइड से जो कट जाता है उसी कट से आपको जाना है। तो फिलहाल बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और सफर रखते हैं जारी। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हम वहाँ से चल के आए थे, वहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी अपना और अभी आ गए हैं मेन दरवाजे पे। ये गलतेश्वर मंदिर के अंदर घुसने का मेन दरवाजा है और इसके अंदर शंकर भगवान हमारे विराजमान है। और पूरे भारत में जितनी भी लिंकें हैं वो सारी लिंकों की छोटी छोटी कॉपी यहाँ बनाई गई है, जिससे आपको पता चले कि कौन से राज्य में कौन सी लिंक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। चलिए इसी बहुत ही टेस्टी आइटम है, जरूर खाए अगर गलतेश्वर है, बहुत मजा आ रहा है, गर्मा गर्म है, एकदम टेस्टी है, मिट्टी विट्टी डाला ये है क्या? खा रहे बहुत ही जबरदस्त आइटम, क्या पता नहीं वहाँ पे आइटम क्या भाई को पता नहीं, नहीं पता पर बहुत जबरदस्त दिखा दो, बहुत ही जबरदस्त आइटम ये आइटम है, जबरदस्त आइटम है भाई को पता नहीं पर आइटम क्या है, खाने मजा आ रहा है मुझे। ये टिकट लिया है नहाने का, 50 रुपए का एक टिकट हमको यहाँ दिया है, अभी हम नीचे जाएंगे वहाँ पे नहाएंगे। तो ये टिकट है वहाँ जमा करना पड़ता है, वहाँ से फिर रास्ता जाता है वो नीचे की ओर ताप्ती नदी में, ताप्ती नदी में नहाने का है। तो चलो चलते लाइन में लगते हैं टिकट से, नीचे जाते हैं। बाय गॉड गाइस क्या नजारा है यहाँ का, साइड में ताप्ती और इधर सूरत की पब्लिक, भाई क्या नजारा है भाई,
मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ सिनेमेटिक शॉट करके। और हमारे पीछे ये शंकर भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति 55 फुट की, और यहाँ का नज़ारा ये भाई मैं आपको दिखाता हूँ। ताप्ती नदी के किनारे आप देख सकते हैं, ये ताप्ती नदी का किनारा है और वहाँ पे उधर नहाने का है, मैं आपको भी दिखाता हूँ वहाँ कैसे नहाना होगा। तो यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम सोमवार को आए हैं और ये शंकर भगवान का मंदिर है, सावन का महीना चल रहा है तो आप समझ सकते हो। तो चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ का सीन, नज़ारे कैसे है, पानी का सब कुछ सिनेमेटिक शॉट के साथ। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, वहाँ ऊपर जाया था हमने, वहाँ से लिया था 50 रुपये का टिकट, और टिकट लेने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन आज सोमवार के दिन है, कितनी सारी पब्लिक आप देख सकते हो भाई, वहाँ से पानी आता है और पानी इधर नदी में सीधा जाता है, तो भाई पब्लिक बहुत है यहाँ पे भाई। अपना इधर देखना भाई, अपना फाइटी करेगा हो गया तो भाई। ये आगे कुछ पब्लिक है और दे सकते हो, यहाँ आने का कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता, खुद का वाहन लेके आते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर भाड़े से आते हो तो 50 रुपये का खर्चा होता है कामरेज से आप यहाँ आओगे तो जो 50 रुपये का आपका खर्चा होगा आप आराम से आ सकते हो। सीन कुछ ऐसा है कि हमने वहाँ नहाया था, और वहाँ नहाने के बाद इधर थोड़ा जब ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ चेंजिंग रूम मिल जाएंगे। देखिए इधर लगाए ऊपर बोर्ड, आप पढ़ सकते हैं, ये लगाए तो ऐसे चेंजिंग रूम के इधर बोर्ड मिल जाएंगे, तो आप इधर कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर अपने भाई लोग कपड़े बदल रहे हैं, देख सकते हो तो भाई लोग नंगे अपने अपने कच्छों में, तो ये अपना भाई रियल रुक है, सब अपने कपड़े बदल रहे हैं, मौज कर रहे हैं, हमने भी बदले चेंजिंग रूम में, और कपड़ा बदलना बाकी है। मैं एक्चुअली अभी पैंट पहन के रखा है, भीगा हुआ पैंट है, तो अभी कपड़ा बदलना बाकी है। मैं सोचा आपको छोटा शॉर्ट दिखा देता हूँ अपने दोस्तों का। तो ये कुछ इतना बड़ा चेंजिंग रूम है, इसका कोई चार्ज नहीं है, इधर लाइट वाइट पंखा वंखा सब चालू है, देखो लाइट चालू है, तो ये सिस्टम सब कुछ यहाँ पे है, तो कोई टेंशन नहीं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए हमारी वीडियो को कैसी लगती है। तो गलती सर महादेव का कुछ ऐसा सीन था हमने आपको दिखाया, और कुछ फोटो हमने शूट किया जो आपको इंस्टाग्राम देखने पे मिल जाएंगे। तो बाय 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 वीडियो।